स्मार्ट स्कूल। कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने का सपना दिसंबर 2021 में साकार होगा। कटरा बनिहाल के बीच रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आधा तैयार हो गया है। अगले साल पुल के तैयार होते ही ट्रेन सीधा कश्मीर जा सकेगी। वर्ष 2002 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को राष्ट्र परियोजना घोषित किया गया था। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित चार केंद्रीय मंत्रियों व नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ ने देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस बैठक में अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती को दूर करने को लेकर मंथन हुआ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बजट से पहले उद्योगपतियों और संगठनों के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक घोषित करने के लिए दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार करते हुए गुरुवार को कहा कि इस समय देश कठिन दौर से गुजर रहा है और बहुत अधिक हिंसा हो रही है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिका पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार कोई किसी कानून को संवैधानिक घोषित करने का अनुरोध कर रहा है। पीठ ने कहा कि वो हिंसा थमने के बाद नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 13 जनवरी को दिल्ली में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक से किनारा कर लिया है। इस बैठक को सोनिया गांधी ने आयोजित किया था। ममता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामदल पश्चिम बंगाल में गंदी राजनीति कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अब अकेले नागरिकता संशोधन कानून और एनसीआर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। जेएनयू हिंसा में पहली बार बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परोक्ष रूप से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जिस वक्त जेएनयू में हिंसा हो रही थी उस वक्त दिल्ली पुलिस की शीतलता पर कहा कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है, ऊपर से आदेश अगर आएगा कि आपको हिंसा नहीं रोकनी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं करनी है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कभी दाहिना हाथ माने जाने वाले गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को पटना से मुंबई पुलिस की एंटी करप्शन सेल ने गिरफ्तार किया है, जहां कोर्ट में पेशी के बाद उसे 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर आरोप लगाया कि इस घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह एवं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जिम्मेदार हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ये भी कहा कि इस हिंसा में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए तथा कुलपति एम जगदीश कुमार को तत्काल हटाया जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धन के साथ गुरुवार को हुई विस्तृत बातचीत में व्यापार निवेश के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। गुणवर्धन 3 दिन की यात्रा पर बुधवार रात ही नई दिल्ली पहुंचे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर के 5% रहने के अनुमान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार ने आर्थिक सुधार को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। प्रियंका ने दावा भी किया कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाया जा रहा है। भारतीय सेना के नए अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के सियाचिन के दौरे पर हैं। पदभार संभालने के बाद सेना प्रमुख नरवणे का ये पहला दौरा है। सियाचिन पहुंचकर उन्होंने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही जवानों से मिलकर सुरक्षा मामलों की जानकारी ली। इस दौरान सेना अध्यक्ष ने जवानों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी।